नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पे मल्टी सर्विसेज में स्वागत है। मैं विकास कुमार, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार हम अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग सीधा प्रोसेस पे ध्यान देंगे और बैलेंस ऐड करके दिखाएंगे। तो सीधे हम लोग सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे पे मल्टी सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च कर रखा है, तो इसलिए paymultiservices.in/admin panel और इसके बाद हमें इसे ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं हमारे सामने paymulti का लॉगिन पेज आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है उसे डालकर हम अपना लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा भी बैलेंस जीरो दिख रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हम बिना किसी सीनियर के से बैलेंस लिए बिना हम इसको रिचार्ज करेंगे। तो आज हम डायरेक्ट अपने वॉलेट को रिचार्ज करेंगे। इसके लिए हमें सिंपल यहाँ डैशबोर्ड पे ये पेमेंट ऑप्शन दिख रहा है, हमें पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है ऑफलाइन। ऑफलाइन मीन्स प्रोसेस तो हमारा सारा ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन का मतलब यहाँ ये हो गया कि हम एट ए टाइम बैलेंस नहीं लेकर हम अपने सीनियर के माध्यम से या कंपनी के किसी डिपार्टमेंट के माध्यम से बैलेंस ऐड करवाते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये हो गया कि हम डायरेक्ट पेमेंट गेटवे से ही अपने वॉलेट को रिचार्ज करेंगे। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा जो प्रोसेस है वो बताऊंगा जिसमें हम डायरेक्ट अपने वॉलेट में रिचार्ज करेंगे, वो भी 24 आवर्स में कभी भी। तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो दिख रहा है यहाँ पे हमें अमाउंट बोला जा रहा है। तो अमाउंट में अगर हम 1 रुपए से 999 रुपए तक ऐड करते हैं तो हमें 20 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बट अगर हम 1000 से ऊपर करते हैं तो हमें उस पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस कुछ जगहों पे चार्ज देना होगा जहां आरबीआई ने वहां चार्ज कर रखा है, जहां आरबीआई ने पेमेंट गेटवे कंपनियों को चार्ज कर रखा है, बस उसी जगह पे हमें चार्ज देना होगा। अदरवाइज कुछ ऐसे है माध्यम है जहां पे हमको चार्ज नहीं देना है। तो यहाँ पे अमाउंट हम डाल के दिखाते हैं कि कहाँ पे चार्ज हमें लगेगा। जैसे हम 500 डाल रहे हैं और मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 529 रुपए 62 पैसा मीन्स 529 रुपीज एंड 62 पैसा चार्ज जो है दिखा रहा है। मीन्स हमने 500 ऐड किया, 29 रुपीज 62 पैसा एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। बट हम डेबिट कार्ड पे आते हैं तो यहाँ 20 रुपीज का चार्ज लग रहा है। यहाँ नेट बैंकिंग पे आते हैं तो यहाँ भी 20 रुपीज का चार्ज है। बट जैसे ही किसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे ये चार्ज बढ़ जाएगा। मीन्स कंपनी भी चार्ज कर रही है और पेमेंट गेटवे भी चार्ज कर रही है। यहाँ पे हमें दोनों जगह पे चार्ज दोनों लोगों को चार्ज देना पड़ रहा है। मीन्स कंपनी को भी देना पड़ रहा है और पेमेंट गेटवे कंपनी को भी चार्ज देना पड़ रहा है। तो हम इसे अभी क्या करेंगे, हम अभी इसे कैंसिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दिखाएंगे विदाउट एनी चार्ज, किसी चार्ज के हम कैसे बैलेंस ऐड करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे 1000 ऐड करते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ गया। अब यहां पे केवल जो पेमेंट गेटवे का चार्ज है वो यहां पे शो करने लगा। अब हम यहां पे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में अगर हम रुपे कार्ड के माध्यम से अगर बैलेंस ऐड करते हैं तो वहां पे हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अगर हम यहां पे देख रहे हैं मास्टर कार्ड है, अगर हम मास्टर कार्ड से करते हैं तो वहां पे हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम वीजा कार्ड से करते हैं तो वहां भी हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। बट रुपे कार्ड पे हमें कोई चार्ज नहीं देना है। अगर हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो वहां भी हमें चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम यूपीआई यूज करते हैं तो यहां हमें कोई चार्ज नहीं देना है। ध्यान दें कि रुपे कार्ड और यूपीआई से ऐड करने पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। तो अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम यूपीआई के माध्यम से हम यहाँ पे बैलेंस ऐड करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो अब हम यहाँ पे जो है अपना यूपीआई आईडी डालेंगे।
और आपको दिखाएंगे कि बिना किसी चार्ज के किस तरह से हम यहाँ पे पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ अपनी आईडी से बैलेंस ऐड करके दिखाता हूँ। तो ये मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ, ये मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी। इसके बाद जैसे ही हम बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी यूज़र होगा, यूपीआई आईडी का यूज़र जो भी होगा, उसका नाम यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद हमें पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे गूगल पे या फोन पे जो भी जिस यूपीआई आईडी के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे वहाँ पे हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन हमारे मोबाइल पे जाएगा। तो जैसे ही हम अपने मोबाइल में पेमेंट को सक्सेसफुली ऐड कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ पे हमारे सामने जो है यहाँ पे बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो मैंने अभी अपने गूगल पे से बैलेंस ऐड कर दिया है। मेरा गूगल पे से जैसे ही सक्सेसफुल होगा यहाँ पे जो भी बफरिंग हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। ये जो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है ये रुक जाएगा। तो अभी मेरे गूगल पे में पेमेंट हो चुका है, वो सक्सेसफुल वहाँ हो चुका है। अब जैसे ही 20 सेकेंड्स अब होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए अब ये कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ से हटने वाला है और ये यहाँ से हट गया और हम डायरेक्ट फिर से अपने डैशबोर्ड पे आ गए। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा बैलेंस अभी भी जीरो शो कर रहा है। तो हमारी कंपनी ने यह फैसिलिटी रखी है कि अगर आपने वॉलेट रिफिल करने से पहले अगर अपना बैलेंस नहीं देखा है तो आप पेमेंट गेटवे ऐड करने से पहले भी आप अपना बैलेंस यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपका बैलेंस जीरो है बट जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं पेज को या डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस सक्सेसफुली ऐड हो गया है। यहाँ हमने 1000 ऐड किया था, हमारा 1000 ऐड हो चुका है और हमें जो है 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी के रूल्स को फॉलो किया। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम पेमेंट गेटवे के माध्यम से अपनी आईडी में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांच, वाइट लेबल हर कोई अपना बैलेंस खुद से ऐड कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों में किसी को भी किसी से बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कूरियर सर्विस के माध्यम से अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।